और सर इसे जब हम फैमिली यूनिट की बात कर रहे हैं ना, देखें सिर्फ इस एक बात से कि मैं सिर्फ अपने प्लेयर को यानी मैक्सिमाइज करना चाहता हूं और मैं अगले मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मैं सेक्रीफाइस नहीं करता, सही है। तो आप ये देखें कि इससे मैरिटल रिलेशनशिप पे कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है, कितना बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि दोनों रिसीवर्स हैं, दोनों रिसीवर, यस दिस इज द थिंग, दोनों रिसीवर हैं, कोई एक तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना, ये ठीक है एक बंदा इस तरह का था तो चलो दूसरे ने अपनी एफर्ट ज्यादा पुट ऑन की, नाउ द रिलेशनशिप इज गोइंग गुड, लेकिन मसला ये है कि दोनों के दोनों ही चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, यानी आप कॉम्प्रोमाइज कर लें और फिर यानी गेम तो मैं एक बात ऐड कर दूं, चूंकि आप रिलेशनशिप्स की बात लें अली भाई, यू विल सेकंड मी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिस तरह बढ़ रहे हैं हमारे माशरे में, पहले तो वेस्ट में सुनने को आता था जी कि मर्द का अफेयर है या औरत का अफेयर चल रहा है, जिस स्पेस से इस वक्त मतलब काउंसलिंग्स भी आती हैं हमारे पास, वो एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ इस गंध से। अली भाई व्हाट डू यू थिंक के एक तो ये चीज़ जो है, और दूसरा मैं समझता हूँ कि रवैया औरतें ये नहीं समझती। देखें मैं बड़ी माजरत के साथ अपनी बहनों को ये एडवाइस करना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल आंखों देखा काउंसलिंग्स कर करके ये नतीजा निकाला है, जब औरत जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करती घर में जो एमिकेबल है, जो सुकून वाला है शोहर के लिए, शोहर स्ट्रेस में जाता है और वो लिटरली ये कहता है कि यार भाड़ में जाओ, मतलब ये मैं आपको मर्द की मेंटालिटी पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, वो सह लेगा, चुप कर जाएगा, करता जाएगा जो अगर आप ज़बरदस्ती उस पर थोप रहे, शिकायतों का अंबार लगा रहे, लेकिन वो इनफिडेलिटी की तरफ जाएगा। ये मैंने देखा है काउंसलिंग्स में, ज़्यादातर जो ये अफेयर्स और इनफिडेलिटी की तरफ जाते हैं वो घर से बेजार होके तंग होके वो कहीं और अफेयर बना लेते हैं। अब औरतों की अगर मैं बात करूँ तो माजरत के साथ जो मर्द है हमारा, वो जब रूडनेस और बदतमीज़ी यानी रूड होते हैं बहुत से मर्द ना, वो दे डोंट केयर, आज तक तारीफ़ नहीं की बीवी की, मतलब दे आर लिविंग एज इफ औरत एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उनके घर में, ये वाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना आज तक कभी पूछा है कि मैं तुम्हें कोई शॉपिंग करूँ, यानी इतनी ड्राइनेस, ना कभी मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाऊँ, ना कभी कोई तारीफ़ की है। अब जब वो चला जाता है जॉब पर, पीछे से वो अकेली है, अल्लाह माफ़ करे, और अगर उसको दीन की इतनी नहीं समझ और तकवा नहीं है तो फिर ये चीज़ उसके पास है, और आपको आजकल पता है कि फितना कितना ज़्यादा है, तो बहुत सी औरतें इस वजह से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ, बिकॉज दे आर सीकिंग रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम सम गैर महरम, किसी और मर्द से वो अप्रिसिएट, क्योंकि उन्हें चाहिए कोई एक्नॉलेज करने वाला, वो कोई उधर बैठा परवर्ट वो उनसे बात शुरू कर देगा, उन्हें तारीफ़ करने लग जाएगा, और आपको पता है औरत इमोशनल है, तारीफ़ करेंगे तो वो जाहिर है कि वो फिर बेचारी बिछ जाती है, अल्लाह ने उसकी नेचर ऐसी बनाई है। तो डू यू एग्री विद दीज थिंग्स कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बहुत बड़ी रीज़न? अली इसकी आपने जो है ना यू हैव क्या कहना चाहिए हिट द नेल ऑन द हेड, लेकिन मैं इसको दो पहलुओं से बताऊंगा। मैंने जितनी मैं पिछले कई सालों से काउंसलिंग कर चुका हूँ और मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह कितने रिश्ते जो अल्लाह ने तौफीक दिए कि तलाकियाँ बची हैं, देखें दो तीन चीज़ें यहाँ पर दोनों साइडों को समझनी है। सबसे पहले जो आपने बात की, हमारी बहनों को ये लगता है कि यार शादी के एक तो बल्कि बहनों तक भी मैं बाद में जाऊंगा, पहले तो मैं जाऊंगा प्री मैरिज में। प्री मैरिज में बच्चों के दिमागों में ये डाला जाता है ओ ये तो लड़का है, लड़के ऐसे ही करते हैं, ठीक। सो ये हमारे घरों से ये शुरू हो जाता है पहले। लड़की का काम है कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते रहना, तुम चुप रहो, भाई है ना, क्या हो गया, भाई को मैंने अच्छा अच्छी बोटी भी दे देनी है, भाई को मैंने अच्छी रोटी भी दे देनी है, बिल्कुल तुम्हें नहीं, तुम गर्दन खा लेना। ये कंडीशनिंग पहले से, ये कंडीशनिंग पहले से हो रही है, ठीक, विच इज़ रॉन्ग। जी उसके बाद और लड़की को जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि यार ये मर्द जो है ना इनका शादी के 6 महीने बाद तमाम मर्द एक जैसे होते हैं, हनीमून पीरियड ख़त्म होगा फिर तुम देखना ये सब अपने असलियत में खुल के आ जाएंगे। तुम बच्चा जब हो जाएगा ना तब तुम्हारा पहला अंगूठा, अच्छा अब ये एक्चुअली फैक्चुअल मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें कही जाती हैं जो मेरे पास केसेस जब आते हैं, तुम्हारा पहला अंगूठा उसके गले पर तब होगा जब बच्चा पैदा हो जाएगा। कल्चरल में बहुत हमारी कल्चरल चीज़ है। उसके बाद जब बच्चे छोटे हों और शोर जाती कर रहा हो ना तो कहा जाता है सब्र रखो, बच्चे बड़े होंगे ना फिर तुम इसको उनसे कुटवाना। ये सारे बदले फिर बच्चों से लिए। अच्छा अब वो जब चूंकि ये बातें सुन रही होती है सो वो ये समझती है कि यार मेरे तो इसने कहाँ चले जाना है ना, मैं बन ठन के क्यों जाऊँ। मेरे पास एक केस आया जो मैं अक्सर बताया करता हूँ कि वो खातून जो थी वो नई गाड़ी से उतरी, उनको अपने शोहर से बड़े गिले शिकवे थे और वो माशाल्लाह ऐसे डेकअप होके आई हुई थी जैसे पता नहीं शादी के लिए आई हुई थी। तो बाकी तो जो सारी चीज़ें थी वो अपनी जगह रही। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जब कि जी आपकी गाड़ी तो आपके अब्बा ने दी होगी? नहीं नहीं मेरे शोहर ने दी। अच्छा अच्छा
तो बच्चों की फीस तो अब्बा देते होंगे, नहीं भाई शौहर देंगे। तो ये जो कपड़े आपने पहने जो पार्लर से हो गए, ये भी अब्बा ने दिए होंगे, आपका दिमाग खराब है, आप कैसे काउंसलर हैं? ये तो मेरे शौहर का फर्ज है। मैं कहता तो बीबी आपके शौहर को पता है आपसे क्या शिकवा है? कहती क्या? मैं कहा एक ही शिकवा है कि जब मैं घर आता हूँ ना तो मुझे पोछा मारने वाली माई मिलती है। सही। और शादी को 20 साल हो चुके हैं। तो अब उस खातून का जो जुमला था वो अली समझने वाला था। वो कहने लगी आप भी मर्द ही निकले ना, तमाम मर्दों को एक ही चीज़ चाहिए होती है। तो मैंने फिर उनको जवाब ये दिया, मैंने कहा मेरी बहन अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास है। लिबास का काम सिर्फ और सिर्फ तन ढांकना नहीं है, तन की तमाम ज़रूरियात भी पूरी करना है। सही। तो आप इससे डिनाई नहीं कर सकती। नंबर टू, मैं कहा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी उम्मातुल मोमिनीन ने हमें एक एक चीज़ खुल के बताई है, इसीलिए कि ये ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। सो ये जो हमारे, और मैंने कहा आप जिसके सामने बन ठन के आई हैं ना, मेरे सामने आप चाहे पर्दा करके निकाब करके भी आ जाती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ना था। सही। मेरे लिए आप गाय भैंस हैं। सही। जिसके लिए आप बनी थी उसके सामने आप जो है वो पोछा मारने वाली माई बनती हैं। अच्छा, ये फिर दूसरा हमारी जो औरतों के साथ एक और जो होता है कि उनको, यानी इन चीज़ों की वजह से, लेकिन इसके बरक्स जो आपने मर्दों वाली बात की, मर्द क्यों बाहर चला जाता है या मर्द क्यों करता है उसमें, एक तो ये रीज़न बहुत बड़ी है। ठीक है, कि औरतों को ये बता दिया गया कि जी मर्द को स्टार्व कराओ। सही। विच इज़ वेरी रॉन्ग। स्टार्विंग, उसके दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, बिल्कुल गलत। उसके दिल का रास्ता दिल से ही होके जाता है, पेट से नहीं होके जाता। सही। ठीक। फिर दूसरा जो हमारे काम होता है, मर्द जो है ना वो अब छोड़ के बीवियों को, कोई जापान चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई कहीं चला गया है, ठीक है, कोई पिंडी इस्लामाबाद चला गया है, और वो पूछते नहीं है। ये भूल जाते हैं कि 4 महीने तक के बाद औरत की जो डिजायर है वो किस लेवल पे पहुंच जाएगी। आज रिसर्च ने प्रूव किया, हजरत उमर ने उस वक्त बता दिया था, हजरत उमर 4 महीने बाद सोल्जर्स को बुला लेते थे, राइट। तो आज रिसर्च ने बताया कि 4 महीने के बाद औरत बर्दाश्त के काबिल नहीं रहती उसके अंदर। बल्कि अली भाई जस्ट टू ऐड, हमारे पास एक काउंसलिंग केस आया, यही था कि खातून ने शिकायत ये की, अल्लाह माफ करे आजकल हराम रिलेशंस मैरिज से पहले चलते हैं, उनका कॉन्टेक्ट हो गया वो पिछला जो रिलेशन था और शोहर साहब जो है वो पैसे कमाने गए हुए बाहर। ठीक है, मजबूरी में जाना पड़ता है, हम इसका वो नहीं कर रहे, लेकिन वो कभी पूछा ही नहीं, कभी केयर ही नहीं की, कभी आए नहीं। तो फिर ये बड़ा बुनियादी आपने जबरदस्त आपने पॉइंट, और इसमें देखें अली भाई, देखें अब हम यानी ये बात कर रहे हैं ना कि शोहर यानी इनफिडेलिटी की तरफ क्यों जाते हैं, इसके अंदर एक और रीज़न ये भी आप देखें कि मैं अगर एवरेज सर्वे करूँ ना, मेरे काउंसलिंग केसेस आते हैं ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई व्हाट इज़ योर फ्रीक्वेंसी ऑफ फैपिंग ना, यानी एक वीकली आप कितनी दफ़ा मास्टरबेट कर लेते हैं, यानी ट्वाइस अ वीक तो उनका डन होता है। ठीक है, यंगस्टर्स का यस। और वो ये कहते हैं कि देखें बात ये है कि हम एक जो बस एक सेशन होता है, एक एवरेज सेशन जो उनका होता है वो 1 घंटे का होता है, 5 मिनट की एक वीडियो है। अब उस 5 मिनट की वीडियो 1 घंटे का सेशन, इट डज़ मीन कि वीकली वो यानी एक दिन वो 12 मुख्तलिफ औरतों को देख रहे हैं, यानी ये बहुत बड़ी रीज़न है। मंथली दैट इज 96, ईयरली दैट इज मोर देन 1000। आप ये देखें कि मैं एक साल में 1000 औरत देख रहा हूँ न्यूड। सही बात। ठीक है, एंड हैविंग इंटीमेट सीन्स इन दैट। और मुझे बताएं फिर मैं अपने यानी जो मॉडेस्टी को किस तरह मैं ले सकता हूं। मॉडेस्टी भी गई, औरत के बारे में इमेज भी गया आपका, यू विल कंसीडर वुमन अ फ्लैश पीस ऑफ फ्लैश, यानी आपकी जो बीवी है आपकी, ये हमें हमारे बच्चों को यंगस्टर्स को समझना चाहिए, आपकी बीवी शी विल नॉट बी एन एंजल। उसने सुबह उठना, उसको सुबह उठते हुए भी देखेंगे, उसके बाल बिखरे हुए होंगे, उसने किचन में काम भी करना है, उसने सब कुछ करना है। आप जो पॉर्न एक्ट्रेस देख रहे हैं उसने तो 4 घंटे मेकअप पे लगाए हुए हैं, सही बात, और उस 4 घंटे के बाद भी उसने 2 घंटे का शॉट किया, एंड शी इज हेटिंग हर लाइफ।